तो दोस्तों आज हो गई है 6 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लखीमपुर कांड को लेकर के योगी सरकार की बढ़ी है मुश्किलें, पूरे मामले में हुई है सीजीआई एनवी रमन्ना की एंट्री। जी हां दोस्तों, यूपी के वकीलों ने सीजीआई को लिखी है चिट्ठी, सीबीआई जांच की कर दी है मांग। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत और यूपी सरकार के बीच इस पर सहमति बनी थी कि लखीमपुर खीरी कांड की जांच एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में की जाएगी, पर लोग इससे यहां पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। यूपी के दो वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखकर के मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को दी गई याचिका में गुहार लगाई है कि वे राज्य सरकार को यह आदेश दे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और इससे जुड़े मंत्रियों को तुरंत सजा मिले और उनको पद से बर्खास्त किया जाए। वकीलों के द्वारा सीजीआई एनवी रमन्ना को लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि किसानों का प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, प्रदर्शन पर ऐसी कार्रवाई करना मानवाधिकारों का हनन है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। मुख्य न्यायाधीश को लिखे इस खत में कहा गया है कि अभियुक्त मंत्री पुत्र को सजा मिलनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों और घटना में शामिल मंत्री और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। देख सकते हैं कि पूरा मामला अब सीजीआई एनवी रमन्ना के पास पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के पंजाब में उबाल, एक किसान ने कर ली है खुदकुशी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा पर पंजाब में जबरदस्त उबाल आए। गैर भाजपाई तमाम सियासी दल और किसान मजदूर संगठन अपने अपने तरीके से हिंसा का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। और वहीं अब सर्वोच्च सिख धार्मिक संस्थाएं भी आगे आ गई हैं, इनमें प्रमुख श्री अकाल तख्त साहिब और SGPC प्रमुख तौर पर शुमार है। दोनों ही अग्रणी ऐतिहासिक सिख संस्थाएं हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा की बाबत श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से मांग की है कि समूचे घटनाक्रम की तत्काल निष्पक्ष और उच्च स्तरीय यहां पर जांच करवाई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया जाए और मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये यहां पर देख सकते हैं मांग कर दी गई है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, जुल्म की इंतहा हो गई, मोदी योगी की सरकार गिरानी ही होगी, बीजेपी पर भड़के हैं एक्टर, आम आदमी पार्टी के नेता ने भी साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की मौत को लेकर के बीजेपी सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। किसानों को प्रदर्शन के दौरान गाड़ी से कुचलने के मामले में बीजेपी के गृहराज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। इन आरोपों से हालांकि बीजेपी के मंत्री ने इनकार किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है उससे सारी सच्चाई यहां पर सामने निकल के आ चुकी है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस पूरे मामले को लेकर के बॉलीवुड के एक्टर KRK ने बीजेपी को घेरा है। KRK ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब बीजेपी के जुल्म की इंतहा हो गई, लोगों को अब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरा देनी चाहिए। आप लोगों को बताते चलें, इसके साथ ही यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है और उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को निशाने पर लिया है। उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा को लिंचिंग की घटना करार देते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि बताइए कि लिंचिंग को कब सामान्य बना दिया गया, साल 2014 के बाद पता कीजिए जाकर के। ये यहां पर संजय सिंह ने तंज कसा है बीजेपी सरकार पर। देख सकते हैं कि पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के और प्रदेश की योगी सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के वरुण गांधी का यूपी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक गाड़ी प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदते हुए निकल रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। आप लोगों को बताते चलें, वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि ये वीडियो किसी की भी आत्मा को यहां पर झकझोर करके रख देगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस वीडियो का तुरंत संज्ञान ले और गाड़ियों के मालिक उसमें बैठे लोगों की पहचान कर फौरन उनको गिरफ्तार करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस पूरे मामले पर योगी सरकार आखिर कर क्या रही है। वो यहां पर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। उनको यूपी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार हिरासत में है। यहां पर एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। एनसीपी को गोवा चुनाव में ईवीएम में हेर फेर की आशंका है, मोबाइल टावरों से दूर रखने की उठाई है मांग। आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने गोवा विधानसभा चुनाव में ईवीएम में हेर फेर की आशंका जताई है। एनसीपी के प्रदेश महासचिव संजय बर्दे ने कहा है कि गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों में ईवीएम को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और धांधली की किसी भी संभावना को रोकने के लिए आसपास मोबाइल टावर नहीं होने चाहिए। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस दौरान एनसीपी ने कहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और खास करके ईवीएम पर, क्योंकि इसमें लगातार यहां पर हेर फेर की घटनाएं सामने निकल के आती रही है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से ईवीएम कटघरे में खड़ी हो चुकी है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसानों को कुचलने वाले व्यक्ति को हिरासत में ना लेने का मतलब है संविधान खतरे में है, राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी की हिंसा और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले केंद्रीय मंत्री के पुत्र को हिरासत में नहीं लिए जाने का मतलब यह है कि देश का संविधान अब पूरी तरीके से खतरे में है। उन्होंने जोर देकर के यह भी कहा है कि प्रियंका गांधी एक सच्ची कांग्रेसी है और डरने वाली नहीं है तथा उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। और वहीं यहां पर राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे किसानों को गाड़ी से कुचला जा रहा है। और वहीं राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि अगर कत्ल हुए पीड़ितों के परिवारों से किसी को ना मिलने दिया जाए तो देश का संविधान खतरे में है, और अगर ये वीडियो किसी को दुखी नहीं करता है तो मानवता भी अब खतरे में है। ये यहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, अमित शाह से मिले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुद्दा उठाया है। आप लोगों को बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री के साथ मैंने लखीमपुर खीरी मामले पर बातचीत की है, जो यूपी में हुआ है हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। सीएम ने आगे कहा है कि मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए और लखीमपुर खीरी हिंसा की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। ये यहां पर मांग की है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अमित शाह से। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। लखीमपुर खीरी घटना, संजय राउत बोले प्रियंका गांधी जेल में हैं और मंत्री फ्री क्यों घूम रहे हैं। लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों की मौत मामले पर यूपी की योगी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। विपक्षी पार्टियां प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर हैं और वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को ही घटना ने देश को झकझोर करके रख दिया है। संजय राउत ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि अगर कानून सभी के लिए एक है तो फिर प्रियंका गांधी जेल में क्यों हैं और मंत्री फ्री क्यों घूम रहे हैं, अभी तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और उनके बेटे को यहां पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। ये यहां पर कहना है संजय राउत का। देख सकते हैं कि विपक्ष ने चौतरफा मोर्चा खोला हुआ है यूपी की योगी सरकार के खिलाफ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। प्रियंका गांधी ने जारी किया है नया बयान, 48 घंटे गुजरने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर मुझे बंधक बना करके रखा गया है। आप लोगों को बताते चलें,
प्रियंका गांधी का कहना है कि मुझे सीतापुर के डीसीपी पीयूष कुमार सिंह सीओसीटी सीतापुर ने मौखिक तौर पर 4 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे यह कहते हुए गिरफ्तार किया कि मुझे धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस समय मुझे गिरफ्तार किया गया उस समय मैं सीतापुर जिले की सीमा में थी और लखीमपुर खीरी जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर थी, जहां पर धारा 144 लागू थी। और वहीं प्रियंका गांधी ने यहां पर कहा है कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर बंधक बना करके रखा गया है सरकार की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड बीडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।